गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ईवीएस क्लास चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट वलम, अ स्मॉल वुडन बोट व्हिच द स्टूडेंट्स ऑफ केरला यूजिंग फॉर रीचिंग स्कूल। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू दैट वी विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बोट्स। सो हियर आर द क्वेश्चंस। सी, Have you seen any other kind of boats? Yeah, there are many kinds of boats like fishing boat, sailing boat. See children, here I just want to show you the fishing boat. See the picture. This is fishing boat, the picture of fishing boat. Okay? And the second one. This picture is of sailing boat. Okay? Now the next question, can you think of other ways by which we can travel on water? Yeah, we can travel on water by water scooter, steamer boat, raft, etc. See, here are the pictures of water scooter. This is a picture of water scooter. This is the picture of steamer boat and this is the picture of raft. Okay children, yeah, see, even yesterday I told you about camel cart also. In Rajasthan, all of you know that Rajasthan is a desert area. What the children want to say, we live in desert, there is sand all around, it gets very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school. Okay, children, do you know that camel is known as sheep of desert? Why? क्योंकि camel का जो physical structure और you may say body structure ऐसा होता है जो desert के सारे conditions को adapt करता है. Like, जैसे कि आपको पता है desert areas में water की scarcity यानी कमी होती है. कैमल एक ऐसे को एक रिंग करने के बाद नियर अबाउट 1 वीक तक उसको वाटर को ड्रिंक करने की जरूरत नहीं होती. इट मीन्स समर डेज में भी कैमल को फ्रिक्वेंटली वाटर ड्रिंक करने की जरूरत नहीं होती. एंड ड्यू टू दीज क्वालिटीज ऑफ कैमल्स दे आर नोन एज शीप ऑफ डेजर्ट. ओके, ये तो हो गया था कैमल कार्ट के बारे में. चिल्ड्रेन, हियर आर द क्वेश्चंस. सी, आर कैमल के सॉरी चिल्ड्रेन, कैमल के जो फीट होते हैं वो इतने फ्लैट होते हैं कि वो डेजर्ट एरिया में इजीली वॉक कर सकते हैं. इवन उनके फीट से अटैच एक प्रोटेक्टिव पैड होता है. एक्चुअली इट इज नॉट वेरी विजिबल इन दिस पिक्चर, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके फीट को ऐसा प्रोटेक्टिव पैड होता है जिससे कि वो डेजर्ट एरियाज में इजीली वॉक कर सकते हैं. सैंड इतना हॉट होने के बावजूद भी उनको वो हॉटनेस फील नहीं होता है. ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज टोंगा? वेयर Did you climb on it yourself or did someone help you? Children, ये questions आपके लिए है. आप सोचिए कि आपने कभी camel cart को, horse carriage को enjoy किया है? किसने आपको help की है? Etc. etc. Okay. Next question. How did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class. Okay. Actually, you can't share your experience at present in class. So you can write करते हैं क्या फील हुआ? आपको scaring हुआ या आपने बहुत easily riding किया? Whatever your experience, you can write in your notebook. Now children, we will focus on bullock cart. आपने bullock cart तो देखा होगा, है ना? It's a very simple cart. हमारे surrounding में हम देखते हैं, हमारी locality में हमने देखा होगा. आपने देखा जनरली प्लेसेस पर होता है और फार्मर्स इनका यूज करते हैं. ठीक है, सी, वी विल रीड अबाउट बुलक कार्ट.
We ride in our bullock cart, going slowly through the green fields. If it is too sunny or raining, we use our umbrellas. See, in this picture, these children are going to school by sitting in this bullock cart. And even we can see that these are the rainy days, and for protecting themselves, they have used umbrella here. Yeah, so it's very simple. इवन आप कैमल कार्ट में बैठते हो तब भी आप अम्ब्रेला का यूज कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिकॉज इट इज ओपन फ्रॉम द अपर साइड. ओके, ये जो बुलक कार्ट है फार्मर्स इसको यूज करते हैं. एंड हैव यू सीन द व्हील्स ऑफ दिस बुलक कार्ट? हैव यू ऑब्जर्व द बुलक कार्ट फ्रॉम क्लोजली? आपने नजदीक से बुलक कार्ट को कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो देखिए. बुलक कार्ट के जो व्हील्स होते हैं ये वुड से बने होते हैं. ये इन्हें वुडन व्हील्स कहते हैं. और इसके जो रिंग होता है व्हील के अंदर एक आयरन रिम होता है उसको हेल्प करने के लिए मूव करने को. यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज अ आयरन रिम एंड दिस इज द वुडन व्हील. ओके चिल्ड्रेन, सो अगेन हियर आर सम क्वेश्चंस. डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? डज इट हैव अ रूफ? व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? सो अगेन वी विल डिस्कस ऑन दीज क्वेश्चंस टुमारो. थिंक and try to write your own answers.